पीछे ये ना थोड़ा सा हांजी राइट थैंक यू एक बैठी है ना मुझे देना ये जो ऑन योर राइट कैसे कैमरा कैमरा अवॉइड कर रहे थे हो गया ये हो गया क्या रही क्या रे हाँ हो गया Wait.
कौन बोला रे? कौन बोला? कौन कौन बोला? सेंटर पे का बॉल कोई सवाल पूछेगा कि मैं कैसी बोलूं? मंदिरा, I mean, you look really, really beautiful in this look. So can you tell us how was the show and also about her? Well, Anavela is a friend of mine. I've known her for many, many years from when she started designing saris. And surprisingly, this is the first show of hers that I've attended. And this first time I'm wearing a sari of hers. You know, she's made a certain kind of fabric, a certain kind of drape, her own. जब भी आप किसी को अनावेला की किसी साड़ी में देखते हैं तो आपको पता ही ये उनकी साड़ी है, क्योंकि उनका फैब्रिक, उनका लुक, उनका ड्रेप एक अलग सा, यूनिक सा अनावेला ड्रेप ही कह सकते हैं. इनफैक्ट जब मैं बैक स्टेज गई, मैंने सबसे पहले अनावेला से पूछा कि मैंने सही साड़ी सही पहनी है क्या. मैं साड़ी बहुत पहनती हूँ, बट आई टू आस्क इफ आई वॉर इट वॉर हर साड़ी द राइट वे. शो की हाईलाइट क्या लगी आपको? What she does with blouses, जो एना के ब्लाउजेज़ हैं बिल्कुल अलग हैं. कुछ ट्रेंच कोट्स थे, कुछ ट्यूनिक्स थे, कुछ ऐसे लूस फ्लोई टॉप्स थे, और जिस तरीके से उन्हें साड़ी के साथ ड्रेप किया गया, आई थिंक दैट वॉज व्हाट द ब्यूटी ऑफ द शो वॉज. एंड ऑफकोर्स द कलर पैलेट, देयर इज़ वन ब्यूटिफुल साड़ी, अ ब्लैक एंड अ चॉकलेट ब्राउन वन. ये दो कलर्स मैंने कभी पहले एक साथ देखे नहीं हैं, और जैसे उन्होंने कंबाइन किए, बहुत अच्छा लगा. अपार्ट फ्रॉम योर ड्रेस, आपकी व्यक्तित्व में जो आज चमक रहा है वो आपकी बिंदी है? नहीं नहीं, मैं बिंदी बहुत पहनती हूँ, और खास तौर से लाल बिंदी. आज चमक रही है बिंदी. थैंक यू वेरी मच. मंदिरा, यू आर नोन, यू नो, फॉर ड्रेसिंग साड़ी इन डिफरेंट वेज. सो टेल अस, यू नो, गिव अस अ पीक ऑफ योर पर्सनल साड़ी वार्डरोब. व्हाट इज इट लाइक? वेल, आई डिजाइन साड़ी, सो आई हैव अबाउट 300 sari wardrobe at any given point of time. But having said that, I don't wear saris like this, and I'm enjoying wearing it like this, draped with this long pallu. This is the first time, I mean, I've tried different kinds of drapes. This is the first time I've draped it like this, and I'm enjoying the whole hands-free feeling. Otherwise, I drape it over my elbow. And my own sari wardrobe varies from old South Indian silks, which my mom's given me, to ones that I've designed. I used to wear a lot of satipal, I have a lot of masaba. So I have of my own more than 100 and some saris. And then of course I've got my store, which is
got that many more sarees. Latest experiment with blouses, you know. This is my latest experiment with the blouse. This is something very unique for me. I haven't worn a blouse with, you know, sleeves this long for a very long time. I used to a long time ago in my Shanti days. And now I'm wearing it after many, many years, and I'm really enjoying it. I like this feeling. And this is an experiment for me because it's after so long that I'm wearing. I've never worn a blouse with an A-line cut. So, thanks. Thank you. जो ब्लाउजेस थे वो बहुत ही विंटेज स्टाइल उनके स्लीव्स थे जो मुझे बहुत भाए एंड आई सिंपली लव्ड हर कलेक्शन उनका मैंने पहला शो देखा है इस बारी और आई एम हाईली इम्प्रेस्ड उनका क्रिएशन हमेशा हमें इंस्पायर करता है और ऐसे लगता है कि जो साड़ियाँ जिनसे हम प्यार करते हैं उनसे दोबारा प्यार हो जाता है अनामिला का कलेक्शन देख के मुझे लगता है कि उन्होंने जिस प्रकार से उनके स्लीव स्टाइल किए थे वो बहुत ही विंटेज थे और मैंने तो ऐसे स्टाइल देखे नहीं हैं सो इट रियली मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस टू माय आईज एंड टू द एंटायर अपील आपका फैशन क्या लगता है मुझे लगता है मेरा फैशन स्टाइल फॉरएवर है मैं कभी ट्रेंड के साथ आना जाना नहीं करती हूँ मेरा पेस थोड़ा सा क्लासिक है और स्लो है तो मेरी स्टाइल भी क्लासिक है थैंक यू सो मच अब आपके सामने मैं क्या अंदाज दिखाऊं आपको देख के बड़ी शर्म आ जाती है क्या कंट्रोल हां थैंक यू रियली ट्रेडिशनल इंटरेस्टिंग आर्टिफैक्ट Yeah, blue happens to be my favorite color. Very good to see you. Okay, Anna, how was the show? Very nice, yeah. It was really interesting because it's the first time I've come to Lakme Fashion Week. I've never had anything to do with fashion previously. But I was very happy that I was invited. And it was a really nice feeling to sit amongst everybody in the front row and, you know, see the models stroll down with their beautiful garments and their lovely sarees. आपको अच्छी लग रही है बस आपसे कॉम्प्लीमेंट मिल गया तो ये मैं अनाविला की साड़ी पहन रही हूँ और एक लिनन फैब्रिक की साड़ी है और नीले रंग की साड़ी है और दोनों मेरे फेवरेट कलर्स और फेवरेट फैब्रिक हैं और मुझे साड़ी पहनना बहुत पसंद है अगर आप लोग देखेंगे कि मैं ट्रैवल करती हूँ तो मैं साड़ियों के साथ ही ट्रैवल करती हूँ सबसे इजी होती हैं साड़ियाँ पहनना आप उसको ड्रेप कर लीजिए आप उसमें बहुत सुंदर लगती हैं और जहाँ पर भी किसी भी देश में आप जाएंगे साड़ी की चर्चा सबसे पहले होती है तीन टिप्स सबसे पहले तो आप चप्पलें मतलब हील्स तो निकाल ही दीजिए फैशन टिप्स से मुझे चप्पलें पहनने का बहुत शौक है जूतियाँ पहनने का बहुत शौक है तो आई थिंक सबके पास एक जूती तो डेफिनेटली होनी चाहिए साड़ी 100% होनी चाहिए और मुझे लगता है जितना इंडियन आप पहन सकते हैं आपको उतना पहनना चाहिए क्योंकि हमारे कपड़े बहुत सुंदर होते हैं और पूरे दुनिया में इसकी चर्चा होती है तो चाहे आप जितनी ड्रेसेस पहन लें आपके पास कुछ तो इंडियन कपड़े होने चाहिए भाई मैं तो एक प्ले कर रही हूँ अगर आपको देखना है तो NCPA में मेरा प्ले ओपन हो रहा है 4 सितंबर को प्लीज़ आ जाइए मैं नाटक से बहुत गहरी तरीके से जुड़ी हुई हूँ जब मैं 14 साल की थी तब से नाटक कर रही हूँ एंड वैसे हालांकि बचपन से ही नाटक कर रही हूँ लेकिन प्रोफेशनली नाटक मैं 14 साल की उम्र से कर रही हूँ एंड मैं एक नया प्ले ओपन कर रही हूँ तो वो हो रहा है 1 सितंबर को ओपन हो रहा है एंड यू आर ऑल इनवाइटेड थैंक यू